हेलो फ्रेंड्स, आज हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के प्लान की बात करेंगे। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक है रेगुलर प्लान और दूसरा है डायरेक्ट प्लान। सबसे पहले हम रेगुलर प्लान को समझ लेते हैं। इंडिया में जनवरी 2013 से पहले म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए हमें किसी ब्रोकर, एजेंट या फिर किसी फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना पड़ता था, जो हमारी ओर से म्यूचुअल फंड कंपनी से म्यूचुअल फंड खरीदता था। इसके बदले म्यूचुअल फंड कंपनी उन्हें उस फंड में से किए जाने वाले इन्वेस्टमेंट में से ईयरली 0.5 to 1.5% तक कमीशन देती थी। अब इस कमीशन की वजह से इन्वेस्टर को मिलने वाला रिटर्न कम हो जाता था। शुरुआत से चले आ रहे इस प्लान को रेगुलर प्लान कहते हैं। रेगुलर प्लान में एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन हर साल तब तक मिलता रहता था जब तक हमारा इन्वेस्टमेंट चालू रहे। इसलिए जनवरी 2013 से सेबी ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को हर फंड के लिए एक दूसरा प्लान बनाने का ऑर्डर दिया। ये दूसरा प्लान है डायरेक्ट प्लान। इस प्लान में इन्वेस्टर बिना किसी ब्रोकर के सीधे एसेट मैनेजर कंपनी से म्यूचुअल फंड ले सकता है। क्योंकि ये प्लान हम सीधे फंड हाउस या फिर AMC से खरीद सकते हैं, इसलिए ये प्लान खरीदने पर किसी एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रोकर को कोई कमीशन नहीं देना पड़ता है, जिसकी वजह से इस डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टर को रेगुलर प्लान से ज्यादा रिटर्न मिलता है। रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान एक ही म्यूचुअल फंड के दो अलग प्लान है, इसलिए दोनों में किसी और तरह का फर्क नहीं होता है। दोनों को संभालने वाला फंड मैनेजर भी एक ही होता है। जिस कंपनियों में निवेश करते हैं वो भी एक ही होती है। सिर्फ कमीशन की वजह से ये रेगुलर प्लान में कम रिटर्न मिलता है। इस डिफरेंट को समझने के लिए हम एक म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट और रेगुलर प्लान को कंपेयर करेंगे। इन दोनों इमेज से हमें ये पता चलता है कि इस फंड के रेगुलर प्लान ने 5 साल में ईयरली 16.6% का रिटर्न दिया है, जबकि इसी फंड के डायरेक्ट प्लान ने 17.7% का रिटर्न दिया है। अभी आपको लग रहा होगा कि सालाना 0.5 to 1.5% का डिफरेंस तो काफ़ी कम है, पर आपको बता दें कि लॉन्ग टर्म में ये डिफरेंस कंपाउंडिंग की वजह से काफ़ी बढ़ जाता है। समझो आपने 15 साल के लिए 5,000 रुपये हर महीने किसी म्यूचुअल फंड में निवेश किए हैं। हमने SBI के ब्लू चिप में देखा था कि डायरेक्ट प्लान में मिलने वाला रिटर्न सालाना 17.7% का था, जिससे कि हमें 15 साल के बाद रिटर्न मिलता है 44.6 लाख का, जबकि रेगुलर प्लान में निवेश करने पर 16.6 का सालाना रिटर्न मिलता है, जिससे कि हमें 39.8 लाख मिलते हैं, जो कि डायरेक्ट प्लान से 4.8 लाख रुपये कम है। तो अभी सवाल आता है कि रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करें या डायरेक्ट प्लान में। तो आपको बता दें कि अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी है तो आप डायरेक्ट प्लान ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तब आपको किसी एजेंट या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के पास जाना ही सही फैसला होगा। अभी और एक सवाल हमारे मन में आता है कि म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान कैसे ले। इसके लिए आप प्रत्येक फंड हाउस की वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ से अपना डिटेल्स भरकर फंड खरीद सकते हैं, या आप वहाँ एक अकाउंट खोलने के बाद जिस प्लान में इन्वेस्ट करना है उसके म्यूचुअल फंड यूटिलिटी पर जा सकते हैं। इसके अलावा कई ऐसे पोर्टल हैं जो डायरेक्ट प्लान में निवेश करने की सुविधा देते हैं, लेकिन इसके लिए वो कुछ फ्लैट चार्जेस वसूलते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी आपको म्यूचुअल फंड का डायरेक्ट और रेगुलर प्लान समझ रहा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। और एट दी एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।